वेल दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहे। ऑल दो मैं अगली वीडियो में लाने वाला हूँ कि आज की डेट में कौन से कैमरे आपको परचेस करने चाहिए एज अ बिगनर, तो आपको कौन से DSLR ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए स्टे ट्यून जरूर करना। और दोस्तों, साथ में पोको M3 Pro का फुल डेप्थ रिव्यू मैं लाने वाला हूँ, जो कि लिटरली में आप सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। और दोस्तों, मैं बता दूँ कि अंडर 15,000 पोको M3 Pro अभी भी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। एंड यस दोस्तों, आप भी काफ़ी बड़े फैन हो गए हो पोको के, तो देखते हैं कि पोको आगे क्या काम करता है। खैर, मैं अभी बता दूं कि अगली वीडियो दोनों दमदार और धमाकेदार आने वाली है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर डाल देना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक भी दिखा देना। तो मैं बता दूं कि ये 5G फ़ोन है और इसकी काफ़ी तगड़ी तगड़ी स्पेक्स है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में बात कर लूँ एक बेहतर एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मॉनिटर के बारे में, जो कि यस दोस्तों, अगर मैं गेमर्स की बात करूँ तो गेमर्स आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अगर वही BGMI, अगर मैं फ्री फायर और PC गेमर्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कौन से मॉनिटर परचेस करने चाहिए। और दोस्तों, अगर मैं अभी की बात करूं तो Acer एक नया अपना मॉडल लॉन्च करा है, जो कि यस नाइट्रो है। ये काफ़ी बेहतर मॉनिटर है दोस्तों आप सभी के लिए, ऑल दो जो गेमर्स हैं उनके लिए भी और बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचोगे कि भाई ये क्या है, व्हाट, फिर आप सोचोगे चलो कुछ सोचते हैं कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए, फिर आपकी बत्ती जलेंगी कि हाँ भाई, हमें वही मॉनिटर परचेस करने चाहिए जो थोड़ी सी बिल्ड एंड लुक और सबसे बड़ी बात स्पेक्स में सबसे बेस्ट हो। तो यस, आप ये दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, क्लैरिटी और थोड़ा सा ब्लर। तो यस दोस्तों, ये डिस्प्ले का क्वालिटी है जो कि आपको क्लियरली देख सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर डिस्प्ले की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यस, डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच है, यानी कि 1 मिली सेकेंड। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हो कि भाई डिस्प्ले का एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। फिर आप इस वॉट को हटा दोगे और फाइनली आप सोचोगे कि भाई एक बेहतर मॉनिटर चाहिए। हालांकि दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो कि VESA सर्टिफाइड ये पैनल है, यानी कि आपको जो एक कंट्रास्ट, जो पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है, आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। और साथ में यस, एज ऑलवेज HDR का सपोर्ट होएगा। खैर, अगर मैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो वो तो बेहतर है ही, और साथ में ये 4K आता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये डिफरेंस देख सकते हो कि नॉर्मल मॉनिटर और 4K मॉनिटर में। अगर इसकी स्पेक्स की बात करूँ तो ये USB Type-C सपोर्ट करता है, HDMI 2.1 सपोर्ट करता है, जिसमें कि PS5, Xbox और X सीरीज। और सबसे बड़ी बात कि ये 4K अल्ट्रा HD है, और सबसे बड़ी बात कि ये 120Hz डिस्प्ले सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि ये डिस्प्ले, यानी कि ये मॉनिटर कितना ज़्यादा तगड़ी है। एंड लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मॉनिटर, और आप हो कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। हालांकि दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और होएगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार, चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर डाल लो, क्योंकि कोई भी नया वीडियो मिलेगी, यानी कि अपलोड होएगी, तो आपको इंस्टेंटली वो वीडियो मिल जाएंगी। तो लाइक करे कि नहीं, अगर नहीं करे तो यार कर दो। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं इम्प्रेस हुआ हूँ इस मॉनिटर से तो ओनली फॉर डिस्प्ले, और यही सबसे बड़ी इम्प्रेसिव क्वालिटी है इसकी। वहीं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो यस, ये 28 इंच का डिस्प्ले है, साथ ही में 3840x2160 पिक्सल है। साथ ही में दोस्तों, कलर गैमेट की बात करूँ तो 90% DCI-P3 कलर गैमेट सपोर्ट है। साथ ही में अगर पिक्सल पिच की बात करूँ तो 0.16 mm है। और साथ में दोस्तों, मैं बता दूँ ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, VESA सर्टिफाइड है। और दोस्तों, अगर मैं इसकी रिस्पांस टाइम की बात करूँ तो यस दोस्तों, 1 मिली सेकेंड का रिस्पांस टाइम है, जो कि आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा फास्ट और स्मूथ होने वाला। वहीं दोस्तों, अगर मैं नीट्स की बात करूँ तो ये 400 नीट्स सपोर्ट
सपोर्टेड है। एंड यस, ओवरऑल मैं डिस्प्ले के बारे में काफ़ी ज़्यादा बता दूं, वो भी कम पड़ने वाला है। तो दोस्तों, डिस्प्ले लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग भी समझ सकते हो। और दोस्तों, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसका प्राइस क्या हो सकता है, बहुत महंगा होने वाला है। पर नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो प्राइस रखा गया है वो 66,000 के अप्रोक्स रखा गया है। तो आपको प्राइस कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और दोस्तों, डिस्प्ले में मैं जितना भी पॉइंट रखूँ वो कम होने वाली है, क्योंकि लिटरली एसर का जो ये नाइट्रो मॉडल है वो लाजवाब और बेमिसाल है। तो आपने वही मॉनिटर परचेस करने चाहिए जो बेस्ट है। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने बनाया है इसलिए बनाया है कि इस बारे में कम लोग डिस्कस कर रहे हैं और करे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो यार वेट किस लिए कर रहे हो, करो। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर डाल देना। वीडियो लाइक नहीं करा तो वीडियो लाइक कर देना। ये सब बातें याद करवाना काफ़ी ज़रूरी है, हो सकता है शायद आप बाय मिस्टेक भूल गए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।